गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायोलॉजी लेक्चर। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो इससे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर अपने जो बनाया था वो अपने था मानव का श्वसन तंत्र, में उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे। तो मानव श्वसन के जो विभिन्न अंग होते हैं और मानव जो श्वसन तंत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, किन किन अंगों से मिलकर बना होता है, वो अपन ने बातें करी थी। और मुख्य रूप से श्वसन के अंग हैं वो आपको बताइए कि फेफड़े जो श्वसन के अंग होते हैं, ठीक है। और फिर अपने श्वसनी वृक्ष के बारे में अध्ययन किया था। और जो अवशोषण शक्ति है, जो वायु के एक्सचेंज के लिए या जो गैसों के आदान प्रदान के लिए जो जो कुप्पिका की शक्ति होती है, उसके बारे में डिस्कस किया। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन जो आपको बताए तो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, तो उसके अंगों के बारे में, श्वसन के अंगों के बारे में और श्वसन तंत्र क्या होता है उसके बारे में अपना अध्ययन कर चुके हैं। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अपन एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसे कैसे क्वेश्चन आता है कि मानव श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है। मानव के श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए, ठीक। मानव में श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। तो ये बिल्कुल ही ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें टिपिक नहीं है। दो चीज़ आपको याद रखनी है, इसके जो मैकेनिज्म में आपको तरीके से समझाऊँ किस प्रकार से होती है, अलग बुक और डायग्राम ये है, ये भी आपके समझ में आ जाएंगे। लेकिन इसकी जो विशेष रूप से जो क्रियाविधि होती है, जो आपको मेरी मूवमेंट से समझने की कोशिश करना और आप एहसास करना, आप खुद श्वसन क्रिया उच्छ्वसन और निःश्वसन उच्छ्वसन जो क्रिया होती है वो करके देना, आपको खुद एहसास करना अपने शरीर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मेन जो क्रियाविधि है ये क्या है, किस प्रकार से, अपन जो बुक्स की बात तो करेंगे साथ में आपके जो ये क्रियाविधि उसके बारे में समझेंगे। तो अपन बात करते हैं श्वसन की जो क्रियाविधि की बात करते हैं, तो श्वसन की जो क्रियाविधि है मुख्य रूप से दो चरणों में होती है, ठीक है। कितने चरणों में होती है, दो चरण में होती है। एक तो होती है निःश्वसन, जिसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। दूसरी होती है उच्छ्वसन, जिसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। इंस्पायरेशन मतलब होता है श्वास को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर, O2 को अंदर लेना। और एक्सपायरेशन इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, उच्छ्वसन का मतलब होता है CO2 बाहर निकालना। सिंपल सी बात है, दो ही प्रक्रिया होती है, अंदर लिया बाहर निकाला, ठीक है। आप ये महसूस कर सकते हो, आप खुद ही महसूस कर सकते हो, अंदर लिस जो श्वसन क्रिया है उसके अंदर आपने श्वास को अंदर लिया है और इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। ठीक है, ये जो क्रिया है श्वसन की क्रियाविधि में आती है। और श्वसन क्रियाविधि ये कैसे होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन श्वास को अंदर लेना क्या हो जाएगा आपके, और बाहर निकालना एक्सेलेशन या अंदर लेने इंस्पायरेशन, जिसको निःश्वसन बोलेंगे, बाहर निकालने को उच्छ्वसन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कि क्रिया होती किस प्रकार, सबसे पहले हम निःश्वसन या अंतःश्वसन की बात करते हैं। तो अंतःश्वसन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को नासा द्वार के द्वारा जो अपन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेने की जो क्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, अंतःश्वसन या निःश्वसन या इंस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन बोलेंगे। इंस्पायरेशन क्या है या अंतःश्वसन निःश्वसन जो बात करते हैं, तो ये क्या है, सबसे पहले अपन बात करें निःश्वसन की, तो ये बच्चों ये क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है। और सक्रिय जहां पर भी नाम आ जाता है इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको पता ही, मैंने हमेशा ही बताया सक्रिय एक्टिव प्रोसेस का मतलब है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्वास अंदर खींचना पड़ता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, श्वास अंदर खींचना पड़ता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये एक सक्रिय प्रवस्था है, ठीक है, इसमें जोर लगता है, इसमें ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है। तो ये एक है एक सक्रिय प्रवस्था, जैसे कोई स्प्रिंग के ऊपर खींचते हैं, कोई स्प्रिंग है उसको ऊपर खींचते हैं तो उसमें जोर लगता है, तो ये एक सक्रिय प्रवस्था है, ठीक है। स्प्रिंग खींचने में ऊर्जा खर्च हुई है बनी, तो ये भी श्वास को लिया। अभी स्प्रिंग का एग्जाम्पल क्यों दिया है मैंने, मैं आपको बताऊंगा। तो इसको श्वास लेने में अंदर अपन ने खींचा है उसको, तो इसलिए अपन क्या कहेंगे इसको, सक्रिय प्रवस्था बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सक्रिय प्रवस्था बोलेंगे, सक्रिय प्रावस्था है, ठीक है, या सक्रिय प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस है। इसके अंदर होता क्या बच्चों, आपको मैं सिंपल सी समझाता हूँ पहले, कि अपने जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, दाया फेफड़ा और बाया फेफड़ा, ठीक है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, लंग्स होते हैं, ठीक है। ये इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, केज पाया जाता है, किसका, पसलियों का, पसलियों का। देखिए इस प्रकार से अपन बात करिए, पसलियाँ, ये जो फेफड़ा है अपना साइड व्यू दिखाया है, इसे साइड व्यू दिखाया है, तो ये पीछे रीढ़ की हड्डी होगी, देखो जो कशेरुका दिख रही है आपको, और ये जो है फेफड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है, फुफ्फुस जिसको बोलते हैं, और ये जो दिख रही है ये बच्चों ये पसलियाँ हैं, ठीक है, रिब्स है, ठीक है, रिब्स है, ठीक है, रिब्स है, देखो
ये रिब्स है, ये रिब्स है, ठीक है। तो फेफड़ों के चारों तरफ क्या पाया जाता है, ये जो आपके पसलियों, पसलियों का पिंजर पाया जाता है, ठीक है। और पसलियाँ होती है उनके बीच में क्या होती है, मसल्स पाई जाती है, ठीक है। जैसे ये पसलियाँ आपने जैसे बताया ये पसलियाँ, इनके बीच में मसल्स पाई जाती है यहाँ पर, जिसको बाहर अंतरपशु और अंदर की तरफ पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं, अंतरपशु, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दो प्रकार की होती है। जैसे अपन बात करें, जैसे ये मान लो आपके रीढ़ की हड्डी है, तो पसलियों की बात करें, पसलियाँ इस प्रकार से होती है, जो आगे स्टर्नम से जुड़ी थी, स्टर्नम आता है, ये एक पसली है, दूसरी पसली है। तो पसली के बीच में क्या पाई जाती है, इस प्रकार से क्या होती है, इंटरकोस्टल बाह्य अंतरपशु पसली पाई जाती है, ध्यान बच्चों, ठीक है। ये मैंने कहते हैं रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये घुट के बराबर रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। एलिट के लिए, और ये क्या पसलियां इस प्रकार से जो आगे जाके स्टर्न से जुड़ती है इस प्रकार, ठीक है। अब क्या होती है, देखो मैंने ये जो पट्टियां बनाई है, आड़ी पट्टियां बनाई है, आपको दूसरी पेन से बनाई होता है तो मैं, ठीक है, ये जो पट्टियां बनाई है, ये अंतरापार्श्व पेशियां हैं, ठीक है। ये जो है ये बाह्य अंतरापार्श्व पेशियां, एक बार डायग्राम में हमेशा काम आएगा, आपने देखना समझने की कोशिश करना, इस प्रकार से मतलब फसलियां होती है उनके बीच में इस प्रकार से पट्टियां पाई जाती है पेशियों की, देखो इस प्रकार से जो ऊपर और नीचे वाली पेशियों को इस प्रकार से जोड़ती है, ठीक है। ये कौन सी है, अंतरापार्श्व पेशियां है, ठीक है। रेड वाली कौन सी अंतरापार्श्व पेशियां है, बाह्य अंतरापार्श्व पेशियां है। अब आप ये समझ लो, ये होगी नीचे क्या होता है, आपको पता ही है लंग्स के नीचे डायफ्राम है, ठीक है, पसलियां है, रीढ़ की हड्डी है, ये बीच में फेफड़ा है, और नीचे का डायफ्राम होता है जो वक्ष गुहा को और उदर गुहा को अलग अलग करता है, ठीक है। वक्ष गुहा ऊपर थोड़ी सी कैविटी, नीचे एब्डोमिनल कैविटी, वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग अलग करता है, ये वक्ष गुहा है, नीचे उदर गुहा होती है, यहाँ पर डायफ्राम होता है। तो मैंने यहाँ पर रेड वाली पट्टियां कौन सी बताई है, बाह्य अंतरपार्श्व पेशियां बताई है, और देखो ये ग्रीन वाली, देखो ये ऐसे ग्रीन पट्टियां और होती है, ठीक है। ये ग्रीन वाली जो पट्टियां दिखा रहा हूं, ये ग्रीन जो पट्टी होती है, ये होती अंत है अंतरापार्श्व पेशियां, अंत है अंतरापार्श्व पेशियां, ठीक है। ये कौन सी होती है, देखो ऐसे जो पट्टियां होती है तिरछी, देखो ध्यान देना बच्चों, समझना, जो मतलब ऐसे लंग्स है तो ठीक है, तो लंग्स में से ऐसे बाहर की तरफ जो होती है, ऐसे ऐसे आड़ी तिरछी होती है, ठीक है। जैसे फेफड़े हैं, तो फेफड़े में जो ऊपर जो अपने पसलियां पाई जाती है, अपनी पसलियों के अंदर ऐसे तिरछी जो पाई जाती है बाहर की तरफ, वो तो होगी देखो तिरछी है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ होगी, जो ऐसे देखो बाहर रेड वाली जो ऐसे है ना, मतलब पसलियां होगी पसली में एक ऊपर वाली पसली ऐसे ऐसे तिरछी, ठीक है, दोनों पसलियों के बीच में ये बाहर, और जो अंतर अंतरपार्श्व होगी वो कैसे होगी, उल्टी होगी उसके, ऐसे अपोजिट अपोजिट, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ये अपोजिट ऐसे, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आएगी। तो ये दोनों अंतरापार्श्व पेशियों के बारे में सुनने की उसका बात आएगी, विरुण आएगा, तो इसमें सिंपल सी प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं निःशोषण की क्रिया या अंतःशोषण या इंस्पायरेशन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है, निःशोषण अंतःशोषण कहलाता है, ये एक सक्रिय प्रवस्था है। इसके अंदर होता क्या है, सिंपल सी बात है कि बच्चों इसके अंदर श्वास अंदर कब जाता है, अंदर कब जाता है कि डायफ्राम क्या होता है, संकुचित होता है। डायफ्राम संकुचित होने का मतलब डायफ्राम इस पर डोम शेप होता है, यहाँ पे इस प्रकार से डायफ्राम इस प्रकार से डोम शेप होता है, इसका फुला हुआ होता है यहाँ पर, और ये शिथिल अवस्था में होता है इस टाइम। अब संकुचित होता है, ये संकुचित ऐसे होगा, डायफ्राम होगा देखो इस प्रकार से डोम शेप होता है, नीचे से ऊपर ऐसे आया हुआ होता है यहाँ पे फेफड़ों के बीच में, इस प्रकार दबाव डाले रहता है इसे, ठीक है। अब इसकी पेशियों में संकुचित, डायफ्राम पेशियों में संकुचित होता है, इस प्रकार से संकुचित होगी इसकी, तो ये क्या चपटा होता है, ठीक है। तो डायफ्राम क्या संकुचित होगा, अब मान लो कोई फूली हुई चीज उसको ऐसे खींचोगे, ये मेरे हाथ देख लो,
फूले हुए, अब इनको मैं खींचूंगा चपटा वगैरह। इसी प्रकार से डायफ्राम संकुचित होता है, ध्यान देना बच्चों, सिंपल सी मेन जो प्रोसेस है वो यही है, दो ही वर्ड की प्रोसेस है इसमें। जब डायफ्राम क्या होगा, संकुचित हो गया, तो संकुचित हो जाएगा तब क्या हो जाएगा कि ये वक्स हुआ है इसका आयतन बढ़ेगा, क्योंकि नीचे आ जाएगा, इसका वक्स हुआ फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि बाह्य जो अंतरपार्श्व पेशी है, जो एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स है, इनमें भी क्या होगा, संकुचन होगा, दोनों में संकुचन हो रहा है। डायफ्राम या तनुपट की बात करते हैं, या बाह्य अंतरपार्श्व पेशियां एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात हो, तो दोनों के अंदर ही क्या होता है, संकुचन होता है। तो मैंने डायफ्राम का बता दिया, हमारा डायफ्राम डोम शेप होता है, इस प्रकार इसकी पेशियों में संकुचन होगी, इस प्रकार चपटा हो जाएगा। चपटा हो गया, वो आयतन बढ़ गया ना, फेफड़े नीचे की तरफ जाएंगे, उसका आयतन बढ़ गया, ठीक है, पहली बात। दूसरा मैंने क्या बताई थी कि जो अपनी जो पसलियां होती है, पसलियों के बीच में बाह्य अंतरपार्श्व जो पेशियां पाई जाती है, बाह्य अंतरपार्श्व पेशियों में क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचित होगा तो इन पेशियों, इन जो रेड वाली के अंदर संकुचन होगा, तो ध्यान दो बच्चों, इन रेड वाली के अंदर जब संकुचन होता है, इन रेड वाली के अंदर संकुचन होगा, ऐसे खींचेगी ये, तो ये क्या जो अपना पिंजर है, पसलियों का पिंजर, उसको ऐसे उठाएगी बाहर, क्योंकि इनमें यहां से संकुचित होगा, ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। देखो इसको भी आप उम्मीद कर, इससे कल्पना दो कि रेड वाली जब खींचेगी तो क्या होगा, खींचेगी तो ऐसे खींचेगी, तो नीचे से ये क्या बाहर आएगा, ठीक है। इनमें देखो खींचा होगा ना, इनमें इनमें तो इनमें खींचा होगा, तो ये क्या कि आप खींचेगी तो एक दूसरी पसली ऊपर से खींचेगी, तो ये जो होगा, ये जो पिंजर बाहर की तरफ आएगा, पसलियों से बना हुआ पिंजर है तो बाहर, जिससे क्या होगा, वक्स गुहा का आयतन होगा, वक्स गुहा आयतन में वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि हो गई, वक्स गुहा के आयतन में वृद्धि हो गई, तो वक्स गुहा के आयतन में वृद्धि होगी, तो बच्चों क्या हो जाएगा कि बाहर जो वायुमंडल दाब ज्यादा होता है, अंदर वायुमंडल दाब कम हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगी, वायु जो होगी फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी, वायु क्या हो जाएगी, फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, अंत है श्वसन, नी श्वसन और इंस्पायरेशन कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नी श्वसन कहते हैं। और फिर यहाँ से जाते हुए कैसे मैंने बताया, रेस्पिरेटरी सर्विसेज से बात करते हैं, तो फिर वो कुपिका तक चली जाती है, कुपिका के अंदर जाके क्या होता है, कुपिका के अंदर जाके क्या हो जाता है, जो उनका आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। CO2 वापस इन कुपिका में आ जाती है, CO2 हो जाती है, रुधिर वाहिनी चली जाती है, रुधिर वाहिनी से वो कोशिकाओं उत्तकों तक चली जाती है, जहाँ पर उनका यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो ये बात होगी बच्चों, अब देख लो एक बार डायग्राम, अब इसमें बात करते हैं श्वसन का जो मार्ग होता है, इसमें श्वसन की जो मार्ग की बात करें भाई, इसमें वायु का मार्ग क्या क्या होता है, तो वो भी ऊपर बात करेंगे इसमें, लेकिन एक बार देख लो उसको समझ लो, मैंने बताया क्या है कि इसमें देखो आयतन बढ़ा हुआ है, ठीक है। और आयतन क्यों बढ़ा है, क्योंकि डायफ्राम संकुचित, डायफ्राम नीचे चला गया, पहली बात। दूसरी बात, बाह्य अंतरपार्श्व पेशियां, बाह्य अंतरपार्श्व पेशियों में संकुचन, संकुचन होने से क्या होता है, ये जो केज होता है बाहर की तरफ आएगा, ये पिंजरों को बाहर की तरफ उठेगा, क्योंकि इनमें खींचा होगा ना, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ खींचा होगा, तो ये पूरा पूरा पिंजर होगा, जो पसली से बना हुआ पिंजर ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर उठेगा तो ये जो आयतन होगा इसका बढ़ जाएगा, लक्ष्य को ज्यादा जगह मिल जाएगी, फेफड़े ज्यादा जगह मिल जाएगी, आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ गया तो अंदर वायु दाब कम हो गया, वायुमंडल बाहर वायुमंडल दाब ज्यादा है, तो वायु बाहर अधिक से वायुमंडल दाब, अधिक वायुमंडल दाब से कम वायुमंडल दाब की तरफ वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, तो ये सिंपल सी प्रक्रिया होती है इसमें। तो अब इसमें बात करते हैं श्वसन का मार्ग की बात करते हैं, नासा द्वार होता है, ठीक है, कहां से आएगा, नासा द्वार, नासा द्वार से नासा गुहा, नासा गुहा से क्या आ जाएगी, ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, ठीक है, कंठ से श्वसन नली, श्वास नली, श्वास नली से फिर श्वसन नली, ठीक है, श्वसन नली, श्वसन प्राथमिक श्वसन नली, द्वितीयक श्वसन नली, जैसे पूरा ना श्वसनीय बोलते हैं, ठीक है, श्वसन नलिया, श्वसन निया जिसको बोलते हैं, श्वसनीय, ठीक है, प्राथमिक श्वसनीय, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी आपके श्वसन निकाय, ठीक है, श्वसनिकाय से क्या हो जाएगा, वायु कुपिका नलिका, फिर क्या हो जाएगा, वायु कुपिका कोश जिसको एट्रियम बोलते हैं, इस प्रकार से ये जो वायु हो जाएगी एट्रियम तक पहुंच जाती है, वायु कुपिका के अंदर क्या होता है, वायु कोश होते हैं, एल्वियोल्स होते हैं, ठीक है, वायु कोश तक होती है, वायु पहुंच जाती है, ठीक है,
इस प्रकार से फेफड़ों वायु का प्रवेश करना निःश्वसन कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आप उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ में आओगी मोटी मोटी कहानी। अब अपन जो बच्चों बात करते हैं वो बात करेंगे आपके दूसरी जो प्रक्रिया है उसकी बात करेंगे। दूसरी प्रक्रिया उच्छ्वसन जो बिल्कुल ही ईजी है और उच्छ्वसन या बोले तो एक्सेलेशन ठीक है। उच्छ्वसन देखो उच्छ्वसन की बात करें तो CO2 का फेफड़ों से बाहर आना उच्छ्वसन कहलाता है। एक्सपायरेशन या इनहेलेशन एक्सेलेशन कहलाता है ठीक है। CO2 वहां से क्योंकि पता है मैंने बताया वायु कुपिका के अंदर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा वायु फेफड़ों के अंदर क्या होगा गैस को आदान प्रदान होता है। O2 तो रक्त में चली जाती है, रक्त से जो CO2 होती है वो कहाँ पे आ जाती है फेफड़ों के अंदर आती है, वायु कुपिका कुपिका से मतलब फेफड़ों के अंदर जाती है। फिर जो उसका CO2 का बाहर निकलना फुफ्फुस से बाहर निकलना CO2 को बाहर निकलना क्या कहलाता है उच्छ्वसन उच्छ्वसन या एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया निष्क्रिय प्रक्रिया है ठीक है, ये जो प्रक्रिया है कि निष्क्रिय प्रक्रिया है। अब निष्क्रिय क्यों है बच्चों भी बताऊंगा, ये एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव तो मतलब इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखना विश्राम अवस्था की बात कर रहा हूं। उच्छ्वसन विश्राम अवस्था में याद यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ विश्राम अवस्था में निष्क्रिय प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है। अब पैसिव प्रोसेस या निष्क्रिय कैसे होती है देखो ध्यान देना, निष्क्रिय की बात करें तो निष्क्रिय कैसे होती है देखो निष्क्रिय कैसे होती है, निष्क्रिय की बात करें देखो कैसे होगी निष्क्रिय एक्सेल निष्क्रिय मतलब इसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों नहीं होती बच्चों ध्यान सुनो, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है यानी उच्छ्वसन की एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल ही साधारण सी प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया। कैसे होगा क्या होगा, अपने सांस अंदर लिया कितनी देर रोक के रख लेंगे उस टाइम क्या होता है अपने वक्त होगा आयतन बढ़ा हुआ होता है और उस स्थिति में क्या होता है जब अपने सांस अंदर होता है तो क्या होता है डायफ्राम क्या होता है बच्चों संकुचित होता है। तो जो निःश्वसन की जो अपने प्रक्रिया पड़ी अब उच्छ्वसन की बात करें तो रोल इन्हीं दो पेशियों का ही है बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि दो जो पेशियां इन्हीं का रोल होता है, एक तो मैं बता रहा हूँ बाह्य अंतरपट जो पेशियां और जो तनुपट डायफ्राम का इसमें भी जो रोल होता है क्योंकि ये क्या है एक निष्क्रिय प्रक्रिया। निष्क्रिय प्रक्रिया जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया था कि अपनी स्प्रिंग जो होती है उसको खींचने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी, जोर लगाना पड़ता है आपको, मैंने उस टाइम इसमें बताया था आपको सक्रिय प्रवस्था वाले में ठीक है। अब स्प्रिंग वापस छोड़ते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप उसी बल से चली जाती है। तो ये पेशी प्रक्रिया बल तो अपने पहले लगा लिया था उस टाइम ऊर्जा खर्च हुई थी ठीक है। अब क्या होती है कि स्प्रिंग छोड़ते हैं तो उस बल का जो इम्पैक्ट होता है उससे वापस वो चली जाती है ना, तो उस टाइम ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, एक निष्क्रिय प्रवस्था हो जाती है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से ये प्रक्रिया सेम होती है। इस स्थिति में क्या होता है बच्चों, इस स्थिति में क्या होगा आपके, इस स्थिति के अंदर बात करें तो उच्छ्वसन या जो एक्सहेलेशन है इसमें क्या होता है जो पसलियां बाहर आई हुई थी बाहर अंतरपट पेशियों में संकुचन से पेशियों ये जो अपना पिंजर था पेशियों सॉरी पसली से बना जो पिंजर था वो बाहर आया था और डायफ्राम क्या होता है संकुचित हो गया था इस प्रकार से ठीक है, ये संकुचित हो गए। अब क्या होता है डायफ्राम की पेशियों के अंदर वापस क्या होता है शीतलन होता है, ये शीतलन से क्या होता है वापस डोम से होता है डायफ्राम और जो बाह्य अंतरपट पेशियां जो संकुचित हुई थी वो वापस शीतल हो जाती है। तो क्या जो केज होता है जो लंग्स का जो ये देखो जो पेशियों से बना हुआ तो ये पिंजर था सॉरी पसलियों से बना हुआ पिंजर था ये वापस अंदर की तरफ जाता है ये ठीक है अंदर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ जाता है तो वक्ष हुआ का जो फेफड़ों का जो आयतन था उसके दाब पड़ता है वक्ष हुआ का आयतन होता है वो कम हो जाता है ठीक है। आयतन क्या हो गया कम हो जाता है, देखो ये वापस देखो डायफ्राम में डोम शेप हो गया डायफ्राम डोम शेप हो गया नीचे से प्रेशर आया ठीक है। और साथ साथ क्या हुआ ये जो पेशियां है ठीक है ये शिथिल पसलियां का जो बना हुआ पिंजर ये शिथिल हुआ अंतरपट पेशियों का संकुच जो शीतलन हुआ पेशियों का जो शीतलन हुआ शीतलन से क्या हो गया ये जो पिंजर है ये अंदर की तरफ गया तो यहाँ पर दबाव पड़ जाता है और ये दाब से वायुमंडल दाब से बहुत अधिक हो जाता है। इससे क्या होता है ये निष्क्रिय प्रोसेस के द्वारा जो श्वास होता है वो वायु से फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये निष्क्रिय प्रोसेस है ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है
कि व्यायाम और शारीरिक अवस्था की बात करें, व्यायाम में शारीरिक श्रम के समय की बात करें, तो उस अवस्था जो होती है, जो ये एक्सेलेशन प्रोसेस है, ये क्या होती है, एक सक्रिय अवस्था होती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, वाइवा में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, या किसी प्रकार से एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन आता है, बताओ व्यायाम की अवस्था में, शारीरिक जो श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम भाग दौड़ करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उस समय क्या होती है, श्वसन की दर बहुत बढ़ जाती है। तो उस टाइम जल्दी जल्दी सांस लेने के लिए क्या करना पड़ता है, कि ये जो प्रक्रिया होती है एक सक्रिय अवस्था होती है। और सक्रिय अवस्था के अंदर क्या होता है, बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां, तनुपट का तो रोल होता ही होता है, ये रोल दोनों का मैंने भूमिका बता दी, कि तनुपट होता है, तो जब उच्च अवसर की बात है, तनुपट क्या होता है, वापस इतना तो डायरेक्ट डोम से बदलता है, तो इससे नीचे से दाब बढ़ गया, फिर बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां शिथिल होगी तो अंदर की तरफ दाब बढ़ गया, ठीक है, अंदर की तरफ दाब बढ़ गया। इसके बाद क्या होता है कि अंदर की तरफ दाब और अधिक बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की स्थिति में, व्यायाम की स्थिति में, कि अंतरापार्श्विक पेशियां, ये देखो ये इनमें क्या होता है, इनमें भी संकुचन होगा, ठीक है, इनमें संकुचन होगा तो अंदर की तरफ खींच रही है, ठीक है, इनमें संकुचन होगा अंदर की तरफ खींची, और इनमें जो संकुचन होगा तो ये क्या हो, अंदर की तरफ खींचेगी, जिससे क्या होता है, दाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और श्वसन क्रिया तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि जो आंतरिक अंतरपार्श्विक पेशियां होती है वो तेजी से संकुचित होती है और फंसती हुई बीच में खींचती रहती है, इससे क्या होता है, दाब जो बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती रहती है। और इसके साथ साथ ही क्या होता है, जिसे वक्षी गुहा आयतन को बोलते हैं, उदरी पेशियों में तेजी संकुचित होती है, उदर वाली जो पेशियां होती है वो भी संकुचित होती है, डायाफ्राम पेशियां वो भी संकुचित, जिससे क्या होता है, नीचे से भी दबाव उत्पन्न होता है ना, उदरी पेशियां होगी वो भी संकुचित होगी, जैसे ये है अपना, ये पेशियां उदर वाली पेशियां, ये भी संकुचित होगी, संकुचित होगी, क्यों, अपन ज्यादा श्रम करें तो संकुचित होगी, संकुचित होगी, ये इन पेशियों को संकुचित नहीं, अंदर की तरफ जो अपना जो आहार नाल है उसके दबाव पड़ेगा, दबाव से वो भी क्या होगा, डायाफ्राम में संकुचित होगी, नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर आएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं बताऊं, बाह्य अंतरपार्श्विक पेशी संकुचित हो रही है तो क्या होगी, ठीक है, शिथिल हो रही है, बाह्य अंतरपार्श्विक पेशियां शिथिल होती है, शिथिल से क्या होता है, अंदर की तरफ, और साथ ही साथ क्या होगी, वो अंदर की तरफ जो अंतरपार्श्विक पेशियां है ये तो देखो शिथिल हो रही है, ठीक है, और ये जब शिथिल होती है तो रिब केज अंदर की तरफ आता है, ठीक है, ये जो रिब केज या पसली से बना हुआ पिंजरा ये अंदर की तरफ आता है, और ये भी संकुचित होती है, अंदर की तरफ खींचेगी, ये अंदर की तरफ खींचेगी तो क्या होगा, जो पिंजरा अंदर की तरफ, इससे क्या होगा, वक्ष का जो आयतन होगा वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, और इसे दाब बहुत ज्यादा होता है, वायुमंडलीय दाब से बहुत ज्यादा हो जाता है इसके अंदर, और जो इसलिए क्या होती है, वायु तीव्र गति से बाहर आ जाती है। और मानव में बात करें तो जो श्वसन की दर होती है, मानव में विश्राम अवस्था में व्यवस्थित दर में जो श्वसन की दर होती है 16 से 20 प्रति मिनट होती है। तो जो ये जो आपके बुक में दी हुई थी, ये अपने बिल्कुल इसी से मैंने मुख्य रूप से जो बताई है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपके निज श्वसन और विश्वसन की क्रियाविधि थी जो आपके बुक के अंदर दी है, और अपन बात ओवरऑल बात करती है श्वसन की क्रियाविधि थी, ठीक है, श्वसन क्रियाविधि, और श्वसन क्रियाविधि के बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो बिल्कुल इजी से इस प्रकार से मैंने बताया, इस पर डायग्राम आपको ध्यान में रखने हैं। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीज बताई है कि ये हरी वाली तो अंतरपार्श्विक पेशियां ये संकुचित होगी तो अंदर की तरफ खींचेगा, और ये बाहर अंतरपार्श्विक पेशियां संकुचित होती है तो रिब केज बाहर जाता है और शिथिल होती है, रिब केज का मतलब है पसली से बना हुआ पिंजर, ठीक है, ये अंदर आता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ये जो चर्चा की है, तो आज के लिए मुझे इतना बहुत है, धन्यवाद।